भारत सरकार द्वारा नई दिशा नीति लागू करने के जारी फरमान में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठन की गई कमेटी में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संवैधानिक रूप से नियमों में संशोधन करते हुए शिक्षा मित्रों को नौकरी देने के संबंध में लंबित पड़े मामले को अविलंब पूरा करने के संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ सदस्यों ने एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राम नगीना निषाद ने बताया। तुम लोग तब से जान रहे जिसकी शुरुआत हुई थी, इसके धरना प्रदर्शन बड़े दूसरे जनपदों में थे लेकिन तब से देख रहे हैं। राम नगीनाई साहब, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद इकाई गोरखपुर। सबसे पहले शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद इकाई गोरखपुर की तरफ से हार्दिक बधाई। पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संगठन से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से 2018 में एक वार्ता हुआ था। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी हमारी मांगों के संदर्भ में। उसका अभी 2 वर्ष तक हो गया, कोई अता पता नहीं है। हमारे संगठन के प्रदेश मुखिया के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में उसी कमेटी को लागू करने के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ मांग पत्र दिया जा रहा है। गोरखपुर में भी हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक सिपाही हैं और जिला इकाई के नेतृत्व में हम लोग माननीय एडीएम सिटी साहब को अपना मांग पत्र सौंपे हैं और जल्द से जल्द हमारी जो डॉक्टर शर्मा जी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, हम लोगों को सेवा को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। धन्यवाद।